हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो है राइट प्रोनंसिएशन पर। एक इंग्लिश वर्ड है टी एच ई, जिसे कभी प्रोनाउंस किया जाता है द और कभी इस सेम वर्ड को प्रोनाउंस किया जाता है दी। तो वर्ड तो एक ही है, लेकिन उसे प्रोनाउंस किया जा रहा है टू डिफरेंट तरीकों से। तो ऐसा आखिर क्यों होता है? क्या आपने ध्यान दिया? शायद आपने ध्यान दिया भी होगा, पर क्या आपने इसका कारण जानने की कोशिश की है? नहीं ना? तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ऐसा होता क्यों है। द का प्रोनंसिएशन उसके साथ आने वाले वर्ड्स की साउंड्स के आधार पर किया जाता है। कैसे? आइए समझते हैं। हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में आर्टिकल्स को डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे ए एंड एन और आर्टिकल द का यूज़ किया जाए। तो हमने ये पढ़ा था कि आर्टिकल ए एंड एन का यूज़ होगा वॉवल्स की साउंड्स के अनुसार। तो ठीक उसी तरह से टी एच ई को कैसे प्रोनाउंस करना है, द या दी, ये डिपेंड करेगा वॉवल्स की साउंड्स पर। तो इसके लिए आपको वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स में डिफरेंस करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वॉवल्स क्या हैं एंड कॉन्सोनेंट्स क्या हैं। इसके साथ ही अगर आपको हिंदी के स्वर और व्यंजन की समझ है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं रहेगा। तो वॉवल्स क्या हैं एंड कॉन्सोनेंट्स क्या हैं और इन्हें कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, इस पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फिर चलिए समझते हैं टी एच ई को कैसे प्रोनाउंस किया जाए। जब टी एच ई के साथ आने वाले वर्ड्स का बिगनिंग साउंड स्वर का सुनाई दे, अ से अह तक के अक्षरों की ध्वनि आपको सुनाई दे, तो आप टी एच ई को प्रोनाउंस करेंगे दी, जैसे दी एलिफेंट। तो एलिफेंट में आपको सुनाई दे रहा है ए का साउंड, जो कि एक स्वर है, तो आप इसे प्रोनाउंस करेंगे द एलिफेंट। नेक्स्ट है द आइसक्रीम, तो आइसक्रीम का बिगनिंग साउंड है आ का, जो कि स्वर में इंक्लूड है, तो स्वर का साउंड सुनाई देने के कारण हम इसे प्रोनाउंस करेंगे द आइसक्रीम। उसी तरह से टी एच ई को द तब प्रोनाउंस किया जाता है जब उसके साथ आने वाले वर्ड्स का बिगनिंग साउंड व्यंजन का सुनाई दे, क ख ग घ की ध्वनि हमें सुनाई दे, जैसे द कार। तो यहाँ पे बिगनिंग साउंड सुनाई दे रहा है क का, क एक व्यंजन है। तो जहाँ पर भी हमें टी एच ई के साथ आने वाले वर्ड्स का बिगनिंग साउंड व्यंजन का सुनाई देगा, व्यंजन की ध्वनि हमें सुनाई देगी, तो हम टी एच ई को प्रोनाउंस करेंगे द। तो यहाँ पे होगा द कार। उसी तरह से द फिश, तो बिगनिंग साउंड है फ का, जो कि एक व्यंजन है, तो इसे प्रोनाउंस किया जाएगा द फिश। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, द गर्ल, द बॉय, द फ्रॉग एंड सो ऑन। सो आपको किस बात का ध्यान रखना है? टी एच ई के साथ आने वाले वर्ड्स की बिगनिंग साउंड्स का आपको ध्यान रखना है कि वो स्वर की है या व्यंजन की है। अगर साउंड स्वर की है तो आप प्रोनाउंस करेंगे दी, और अगर साउंड है व्यंजन की तो आप प्रोनाउंस करेंगे द। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। So at last, thanks for watching.